दीनपुर गांव से आधा कोस दूर गांव के बाहर एक झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। बहुत ही गरीब और दीनहीन दशा थी उसकी। मैली धोती और पुराना सा कुर्ता उसका परिधान था। चेहरे पर झुर्रियां थी और दो आंखें गहरे गड्ढों के बीच से झांकती रहती। उसकी झोपड़ी के सामने एक पाठशाला थी। उसने अपनी झोपड़ी में एक छोटी सी दुकान बना रखी थी, जहां से बच्चों को स्याही, कलम, पेंसिल, कॉपी आदि छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती थीं। उसी दुकान से उसका जीवन निर्वाह चल रहा था। कहा जाता है कि कभी उसके पास भी खेती की जमीन थी और वो भी गांव में रहता था, परंतु उसके जवान लड़कों ने बूढ़े से खेती छीन ली और घर से निकाल दिया। उसने भी कभी अच्छे दिन देखे थे, अब तो वह किसी तरह जीवन के दिन पूरे कर रहा था। झोपड़ी के सामने वाली पाठशाला में एक मास्टर जी पढ़ाते थे और वो पाठशाला ही उनका घर भी था। रात को वहीं सोते थे। मास्टर जी को उस बूढ़े की सूरत से, चाल ढाल से और बोल चाल से अत्यंत घृणा थी। हाथ में चिलम लिए हुए जब शाम को वह पाठशाला पहुंच जाता तो मास्टर जी मन ही मन में उसे दर्जनों गालियां देते थे। सभ्यता के नाते मास्टर जी उस गंदे और गरीब आदमी को बाबा जी कहकर पुकारते थे। कई बार उसकी हरकतों से मास्टर जी परेशान हो उठते, जैसे पाठशाला के चबूतरे पर बैठकर चिलम पीना और जोर जोर से खांसना। मास्टर जी नहीं चाहते थे कि बाबा जी उसके पास आया करें। जब भी वो बूढ़ा मास्टर जी के पास आता तो वह टहलने लगते। जब वो बात करने की कोशिश करता तो मास्टर जी कोई किताब पढ़ने लगते। लेकिन इन सब बातों का उस बूढ़े बाबा जी पर कोई असर नहीं पड़ता। जहां शाम हुई नहीं, वह पाठशाला में चला आता। कभी कभी कहता, मास्टर साहब ने रोटी बना ली होगी? हाँ बना ली है। सब्जी क्या बनाई थी? आलू बनाए थे। थोड़ी सब्जी बची भी होगी। इस प्रकार वह रोजाना मास्टर जी से कुछ दाल या सब्जी ले लिया करता। फिर एक काले रुमाल में बंधे दो बाजरे के टिक्कर निकालता और बैठकर खाने लगता। ये देखकर मास्टर जी का जी जल उठता। गंदे कपड़े, गंदी रोटियां और खाने का गंदा तरीका, वो सफाई क्या चीज़ है ये तो जानता ही नहीं था। उस बूढ़े ने मास्टर जी का जीवन दुभर कर डाला था। जितना खून रोज बनता था उससे ज़्यादा खून वो बूढ़ा जला देता था। उसे स्कूल में आने से कैसे रोका जाए, यह चिंता मास्टर जी को दिन रात सताती रहती। अंत में उन्होंने एक तरकीब सोच ली। शाम के समय जब वो बूढ़ा स्कूल के चबूतरे पर आकर बैठा तो मास्टर जी ने गरज कर उससे बोला, बाबा जी कल शाम को जब तुम आए थे तब मेज पर 10 रुपये का नोट रखा था। ना महाराज, मुझे तो पता नहीं, हाथ जोड़कर वो रोते हुए स्वर में बोला। इस तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुमने वो नोट नहीं उठाया। मैं तुम जैसे नीच लोगों को खूब पहचानता हूँ। पहचानते होंगे महाराज, भगवान जाने वो नोट तो मैंने कभी देखा भी नहीं। बगला भक्तों वाली बातें छोड़ो, अगर तुम बुरे ना होते तो क्या तुम्हारे लड़के तुम्हें घर से निकालते? कमीना कहीं का, भाग जा यहाँ से, खबरदार जो फिर कभी इधर का रुख किया। वो बूढ़े बाबा जी मास्टर जी की तरफ देखते हुए वहां से चल दिए। मास्टर जी ने उसका चेहरा देखा, बूढ़े के चेहरे पर दिल हिला देने वाला दुख दिखलाई पड़ने लगा। उसका दिल टूट चुका था। उसकी आंखें कह रही थीं, मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, निर्बल हूँ, परंतु इतना नीच नहीं कि किसी की चोरी करूँ। उस दिन से बूढ़े का पाठशाला में आना जाना बंद हो गया। बोल चाल का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इस तरह से मास्टर जी के दिन आराम से कटने लगे। दिल और दिमाग में छाई हुई बेचैनी खत्म हो गई। अब मास्टर जी बहुत ही प्रसन्नता से रहने लगे। कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू हो गई। प्रायः प्रतिदिन रात को वर्षा होने लगी। खैर कोई बात नहीं, वर्षा ऋतु में वर्षा तो होगी ही, परंतु एक रात को तो बरसात ने सारी सीमाएँ तोड़ दी। शाम के समय से बारिश शुरू हुई तो थमने का नाम ही नहीं लिया। मास्टर जी ने जल्दी जल्दी से भोजन बनाया और स्कूल के बरामदे में चारपाई पर लेट गई। नींद नहीं आ रही थी। 3 घंटे बीत गए, परंतु बरसात समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ना मालूम
आज पहली बार मास्टर जी को भय लगने लगा। वर्षा के शोर के अतिरिक्त कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उस स्कूल से गांव आधा मील दूर था, ना तो कोई आदमी की आवाज़ सुनाई देती और ना ही कोई रोशनी दिखाई दे रही थी। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, चारों तरफ घोर सन्नाटा छाया हुआ था। झिंगरों की झांझ बज रही थी, मेंढकों का तबला बज रहा था और बरसात झमाझम नाच रही थी। केवल बाबा जी की झोंपड़ी अवश्य सामने दिखाई पड़ती थी, परंतु आज वो सुबह से सो ही रहे थे, खांसने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मास्टर जी को भय के वातावरण ने घेरा हुआ था, वो अकारण नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मास्टर जी लघु शंका करने के लिए चारपाई से उठकर नीचे की तरफ उतरे तो उनकी चीख निकल गई। वो उछल कर वापिस चारपाई पर जा बैठे। उनका हृदय जोर जोर से धक धक करने लगा। चारपाई के नीचे एक सांप लेटा हुआ था। मास्टर जी ने तकिए के नीचे से दिया सलाई निकाली, परंतु वह सर्दी खा चुकी थी। कई तीलियां रगड़ी, परंतु वह जली नहीं। लाचारी से मास्टर जी ने जोर से चीख मारी, शायद बाबा जी सुन लें, परंतु वो बेचारा मास्टर जी की सहायता के लिए क्यों आने लगा। मरता क्या ना करता, मास्टर जी ने भगवान का नाम लिया। हिम्मत बांधकर वो चारपाई से उतरे और कमरे में गए जहां पर दिया सलाई रखी थी। बक्से में से नई दिया सलाई निकाली और लालटेन जलाई। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर मास्टर जी बाहर आए, परंतु वो सांप अब गायब था। मास्टर जी लालटेन फर्श पर रखकर चारपाई पर बैठ गए, परंतु भय के कारण उनका हृदय कांप रहा था। इधर बारिश ने भी जोर पकड़ रखा था, क्षण क्षण में बिजली चमक रही थी, बादल भी खूब गरज रहे थे। अंत में सोच विचार कर शर्म को एक तरफ रख कर उन्होंने लालटेन उठाई और लाठी लेकर बाबा जी की झोंपड़ी के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने धीरे से पुकारा, बाबा जी, परंतु कोई उत्तर ना मिला। बाबा जी, बाबा जी, लगातार जोर जोर से उन्होंने दूसरी और तीसरी बार आवाज़ लगाई। शायद बाबा जी गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मास्टर जी को विचार आया कि कहीं उन्हें सांप ने ना काट लिया हो। चटाई डालकर जमीन पर जो सोता था बेचारा, परंतु ये असंभव था क्योंकि वह एक माना हुआ सपेरा था। तब मास्टर जी ने जोर से झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ। कौन? मास्टर जी? हाँ। क्या बात है? मुझे डर लगता है, तुम वहाँ पर मेरे साथ चलो। कहाँ चलूँ? स्कूल में। क्यों? अभी अभी एक भयानक सांप मेरी चारपाई के नीचे लेटा था। ना महाराज, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं तो चोर हूँ। बाबा जी, वह बात और थी, मुझे मुसीबत से बचाओ। चले जाओ यहाँ से, बाबा जी ने गरज कर कहा। मास्टर जी निराश होकर लौटने लगे। मास्टर जी को बाबा जी पर बहुत ही क्रोध आ रहा था। अचानक वो बाबा जी बोले, मास्टर जी जरा सुनो तो। मास्टर जी ने सोचा कि दयालु भगवान ने बाबा जी के दिल में दया भर दी। वो लौटकर बाबा जी के पास गए तो बाबा जी बोले, कितना बड़ा सांप था, होगा कोई 2 गज लंबा। ये कहकर बूढ़े ने मुंह फेर लिया। हूँ क्या बाबा जी? मास्टर जी ने विनम्रता से पूछा। कुछ नहीं, कोड़िया नाग होगा, उसका काटा तो पानी भी नहीं मांगता। तो फिर? मास्टर जी ने गिड़गिड़ा कर कहा। बूढ़े ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं, तुम जाओ। मास्टर जी को बहुत ही निराशा हुई। बूढ़े ने वापस बुलाकर मास्टर जी का भय और भी बढ़ा दिया था। मास्टर जी सोचने लगे कि इस बूढ़े का शरीर जितना गंदा है, उससे भी ज़्यादा गंदा इसका मन है। मास्टर जी के जी में आया कि इस स्वार्थी बूढ़े की गर्दन मरोड़ दूँ। मास्टर जी एक बार फिर से पीछे मुड़े तो देखा बूढ़े के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये देखकर मास्टर जी पश्चाताप की आग में जलने लगे। वो बूढ़ा कठोर हृदय ना था, भावुक हृदय था। मास्टर जी ने उसके पास जाकर कहा, मुझे क्षमा करो बाबा जी, मैंने चोरी की जो बात कही थी वो झूठी थी। मास्टर जी की आवाज़ आंसुओं में डूब गई। रोते क्यों हो मास्टर जी, भला इसमें तुम्हारा क्या अपराध है? जब मेरे लड़कों ने ही मुझे घर से निकाल दिया, तब दूसरों से क्या शिकायत करनी? अपना अपना भाग्य है बाबू। ये कहते हुए बूढ़े ने अपने आंसू पोंछ लिए।
नहीं बाबा जी, मैं बड़ा पापी हूँ। पागल हो गए हो क्या मास्टर जी? वह बातें करता हुआ मास्टर जी के साथ स्कूल में आ गया। काफ़ी देर तक बैठा बैठा वो मास्टर जी को सांपों के किस्से सुनाता रहा। अंत में वो बोला, कितना ही जहरीला सांप हो, मैं उसे हाथ से पकड़ सकता हूँ। तो सांप के काटे का मंत्र भी आपको आता होगा बाबा जी? मंत्र तो होता है मास्टर जी, परंतु मुझे मालूम नहीं है। मैं तो मुंह से चूस कर जहर बाहर निकाल देता हूँ। मुंह से? और जहर तुम पर असर नहीं करता? बाबा जी ने हंसकर उत्तर दिया, असर अवश्य करता है बाबू, परंतु उसके लिए मेरे पास एक दवा है। झोंपड़ी में एक काली सी बोतल रखी है, उसमें एक बूटी का अर्क भरा है। जहर चूसकर उसे थूक देता हूँ और उस अर्क से तुरंत दो कुल्ले कर डालता हूँ, फिर मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता। जब मैं किसी का जहर खींचने जाता हूँ तो वो काली बोतल साथ लेकर जाता हूँ। बातें करते करते बाबा जी वहीं फर्श पर लेट गए और तुरंत सो गए। उनकी नाक बजने लगी, परंतु मास्टर जी को नींद कहाँ थी। चारपाई पर करवटें बदलते बदलते काफ़ी देर हो गई। मास्टर जी को अब प्यास लगाई, पानी का घड़ा अंदर कमरे में रखा था। सांप के डर से उनका कलेजा कांप रहा था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बाबा जी तो मेरे पास है ही, तो फिर डर कैसा। मास्टर जी पानी पीने के लिए उठे। चारपाई से उन्होंने कदम जैसे ही नीचे रखा, लेकिन यह क्या, मानो किसी ने उनके पैर पर जलता हुआ अंगार रख दिया। उसी सांप ने कहीं से आकर उनके पैर में जोर से डस लिया था। मास्टर जी की आत्मा कहने लगी, तुमने चोरी का मिथ्या दोष लगाकर बाबा जी का दिल बेकार ही दुखाया था, उसका बदला महामाया ने ले लिया। दिल दुखाने की सजा बहुत ही भयानक होती है, क्योंकि दिल में दिलदार का निवास होता है। इसके बाद मास्टर जी बेहोश हो गए। मास्टर जी को जब होश आया तो धूप फैली हुई थी, आकाश एकदम साफ था। उनके आसपास स्कूल के कुछ बच्चे और किसान लोगों का जमावड़ा था। स्कूल के आसपास जिन किसानों के खेत थे, ये वही किसान लोग थे। मास्टर जी का सिर घूम रहा था, निर्बलता के कारण उनसे उठा नहीं जा रहा था। पैर में अब भी कुछ जलन हो रही थी। मास्टर जी ने किसानों से पूछा, बाबा जी कहाँ हैं? बाबा जी भगवान के पास पहुँच गए, एक किसान ने कहा। ये कैसे हो गया? मास्टर जी ने हैरान होते हुए पूछा। वही किसान कहने लगा, सुबह लड़के जब स्कूल आ रहे थे तो बाबा जी की लाश उनकी झोंपड़ी के पास मिली। जहर से उनका सारा शरीर नीला पड़ चुका था, जीभ सूजकर बाहर निकल आई थी। मालूम होता है रात के समय आपको सांप ने काटा होगा। बाबा जी ने जहर खींच लिया, परंतु दवा की बोतल तो झोंपड़ी में ही थी। वहां तक जाते जाते जहर ने अपना काम कर दिया। बेशक मुझे सांप ने काटा था, लेकिन उनको चाहिए था कि पहले बोतल लेकर आते, फिर मेरा जहर खींचते। किसान ने कहा, तब तक आप भी मर जाते मास्टर जी। ये सुनते ही मास्टर जी के होश उड़ गए। मास्टर जी का मन आत्मग्लानि से भर गया। जिस आदमी पर मास्टर जी ने झूठी चोरी का आरोप लगाया था, उसने ही मास्टर जी का जहर खींचकर उनके प्राण बचा लिए थे। इसके बाद मास्टर जी ने बाबा जी की लाश का दाह संस्कार किया और उस स्थान पर एक पक्का चबूतरा बनवा दिया। वहां पर एक पत्थर लगा दिया जिस पर लिखा था, मूर्तिमान परोपकारी बाबा जी। बाबा जी का ये बलिदान बलिदान की पराकाष्ठा था। तब मास्टर जी को समझ में आया कि किसी का गंदा शरीर देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका हृदय भी गंदा होगा।